हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो नोट्स ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर के एक नए अपडेट के बारे में और उसके अपडेट होने के नया क्या नए फीचर्स को वहां पर एड ऑन किया गया है उसके बारे में बताने वाला हूँ आगे दोस्तों। तो वीडियो की मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग नोट्स के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट्स में और यहाँ जाना है अपडेट्स पे। अपडेट्स में जाने के बाद आप देखेंगे ये आपको अपडेट्स अवेलेबल मिल जाएगा सैमसंग नोट्स का। ये अपडेट यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, ये अपडेट कब रोल आउट किया गया, 6 जुलाई को यहाँ पर रोल आउट किया गया। इस वर्जन का है 4.3.14.1 वर्जन है दोस्तों। ये लेट अपडेट मेरे पास क्यों आया, या बोल सकते हैं ये लेट अपडेट मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ दोस्तों। ये अपडेट मेरे पास आज ही के दिन आया। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये जो सैमसंग की जो ऐप अपडेट्स आती हैं, जो कि मुझे लगता है ये प्रीमियम फोन में पहले ही अपडेट आ जाती है। जैसे 6 तारीख का लिखा है तो प्रीमियम फोन में 6 तारीख को ही आ गई होंगी। मिड रेंज फोन में धीरे धीरे अपडेट्स रोल आउट होती है। तो मेरे हिसाब से अक्सर होता है जो कुछ ऐप्स होती हैं मुझे देर से ही मुझे अपडेट्स सेक्शन में मिलती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों व्हाट्स न्यू पे जाके यहां पर क्या नए चेंजेस किए गए हैं। इरेजर फॉर हाइलाइट्स प्रोवाइड फीचर टू इरेज जस्ट द हाइलाइटर फिल द शेप विद कलर। तो यहां पर हाइलाइटर से कुछ यहां पर अपडेट किया गया है और प्रोवाइड फीचर टू फिल शेप विद कलर यूजिंग दिस। अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूं। अपडेट करने के बाद देखते हैं दोस्तों इसमें क्या नए चेंजेस हैं और उससे अपन कैसे यूज कर पाएंगे। तो इसको अपडेट होने देते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद मैं इसको कर लेता हूं ओपन। ओपन करने के बाद मैं यहां पर क्रिएट पे क्लिक करता हूं और इसको मैंने यहां पर रोटेट कर लिया स्क्रीन को। स्क्रीन को रोटेट करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं लिख लेता हूं लाइक सनी। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ से डन करा तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, हाइलाइटर का यहाँ पर मैंने यूज़ करा। अब मैंने इसको यूँ करके हाइलाइट कर लिया। आप देखेंगे मैंने हाईलाइट इसको यूज़ करके हाइलाइटर का यहाँ पर यूज़ कर लिया। बट दोस्तों यहाँ पर अब नया चेंजेस ये दिया गया है कि अगर आपको हाइलाइटर को डिलीट करना है तो आप सिंपली हाइलाइटर को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। पहले वाले वर्जन में क्या होता था, आप हाइलाइटर को डिलीट नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर इस वाले वर्जन में इसको एड ऑन कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप हाइलाइटर को अकेले डिलीट कर सकते हैं। कैसे, अब मैं इरेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इरेज पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज हाइलाइटर ओनली। अब मैंने इस पर क्लिक करके यूं करूंगा तो सिर्फ हाइलाइटर ही यहाँ पर डिलीट होने वाला। तो बहुत ही शानदार ये वाला फीचर को ऐड ऑन किया गया। कभी कभार होता है हम हाईलाइट कर लेते हैं, गलत हाईलाइट कर लेते हैं, बट अगर हम डिलीट करना चाहें या फिर उस तरह से इरेज करना चाहें तो वो पूरा डिलीट हो जाता है। बट उससे आप यहाँ पर बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड जो अपडेट दिया गया है देखेंगे, सेकंड जो फीचर है वो है प्रोवाइड अ फीचर टू फिल शेप विद कलर यूजिंग द स्टाइल मेन्यू। ये मैंने अपने यहाँ पर इसको ट्राई करा बट ये मुझे नहीं मिला है। जिन सैमसंग गैलेक्सी में यहाँ पर ऑटो शेप वाला जो ऑप्शन है अगर वो आ रहा होगा तो वो उनको मिलेगा। कैसे यूज करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक पेंसिल से सर्कल को ड्रॉ करा, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आने के बाद मैं थ्री डॉट्स पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज स्टाइल का। चेंज स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अलग से फिल करके, जिसमें क्या होगा जो राउंड सर्कल है वहाँ पर आप उसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। बट ये इसमें नहीं मिल रहा है। जिनमें ऑटो शेप का यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उसके बाद वो वाला फीचर वहाँ पर वो वर्क करेगा। दोस्तों यही नया अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले और साथ में जो नोटिफिकेशन वाला आइकन मिलता है ना उसको दबाना ना बोले, ताकि मैं नई वीडियो डालूं आपको तुरंत अपडेट हो जाए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना बोले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।